अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फौरन पता चल सके कौन सा वजीफा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकअल्लाह खैर। आप सबसे गुजारिश है अमल देखने के साथ सुना भी करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं लिख कर नहीं बताता और वो बातें अमल के लिए बहुत अहम होती हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महतरम नाज़रीन और सामईन, ये जो आज का अमल आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे अपने ही दोस्त जो हमारे मदरसे में साथ पढ़ते थे और मेरे यूं समझे हम उम्र हैं, उनको बहुत जवानी के अंदर कई साल पहले शुगर हो चुकी थी, जिसका मुझे बहुत बाद में इल्म मालूम चला। तो वो कहते हैं कि यार, मेरे पास जब वो आए, मेरे घर पर आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको शुगर है। तो मैंने उनके साथ एक अमल शेयर किया, मैंने कहा कि आप ये अमल करना शुरू करें। और वो माशाल्लाह मदरसे में पढ़ाते हैं, कारी हैं, तो मैंने कहा कि आप ये अमल आसानी से कर सकते हैं। और मैं रोज़ उनसे रिपोर्ट लेता भी रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस अमल की इतनी ज़बरदस्त बरकत थी, वो रोज़ाना इंसुलिन लगाने वाले थे, गोलियाँ भी नहीं इंसुलिन लगाते थे। तो मैंने 2 हफ्ते तक तकरीबन, जहाँ तक मुझे याद है, मैं उनसे रिपोर्ट लेता रहा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि मैंने 2 हफ्ते तक इंसुलिन को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन बात का मुझे मालूम ना चल सका कि वो अभी वो अमल करते हैं नहीं करते, इंशाल्लाह मैं उनसे दोबारा से रिपोर्ट लूंगा। लेकिन उस अमल की बरकत ये थी कि रोज इंसुलिन लगाने वाला 2 हफ्ते तक उसने इंसुलिन लगाना छोड़ दी थी, यानी उनको कुछ महसूस नहीं होता था कि भाई कि लो शुगर लो हो रही है या हाई हो रही है, और उनकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल और शुगर कंट्रोल में रहती थी। तो ये इतना जबरदस्त अमल है। लेकिन सारी बात होती है यकीन की, जितना यकीन का गुड़ आप डालेंगे इंशाल्लाह उतना ज्यादा फायदा होता है। तो आज जितने भी लोग शुगर के मरीज हैं उनको मैं आज ये अमल बताने वाला हूं। यकीन जाने अगर फायदा ना हुआ ना तो फिर आप बोलिएगा, इतना जबरदस्त अमल है, बस आपने मुकम्मल यकीन के साथ करना है। अच्छा जी, एक गुजारिश आप सबसे करना चाहता हूं वीडियो के आगाज से पहले, कि हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय और मोहब्बत का इजहार करते हुए सदका जारी की नीयत से वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई यूं बढ़ती है कि हम मजीद अच्छे से अच्छे अमाल आपकी खिदमत में ला सकें। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी इस छोटी सी गुजारिश पर आप जरूर अमल करेंगे, अल्लाह ताला आपको उसका अजर अता फरमाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अच्छा जी, ये अमल का मुकम्मल तरीक़ेकार आप ये देख लीजिए। नंबर 1, रोजाना दिन में किसी भी वक्त सूरतुर रहमान, इसे आपने 3 मरतबा पढ़ना है और पानी पर दम करके उस पानी को पी लेना है। अच्छा, इसमें जरा थोड़ी तफसील है, ये आप जरा सुनते जाएं। आपने करना क्या है कि आप दिन में, मतलब मगरिब से पहले पहले अमल करना है आपने, पूरे दिन में आपने सूरतुर रहमान, ठीक है, ये आप 3 मरतबा पढ़ें। आप किसी और से दम करवा सकते हैं, वो भी बेस्ट है, लेकिन अगर आप खुद पढ़ें तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। हमेशा मैं आपको ये कहता हूं, खुद पढ़ करें। तो जो मरीज है वो खुद सूरतुर रहमान 3 दफा पढ़े और पढ़कर पानी पर दम करना है। पानी पर दम करने का तरीका कार की है कि आप 1 गिलास पानी लें पीने वाला, और उसमें दम करने का तरीका कार ये होता है कि सिर्फ आपने फूंक नहीं मारनी, बल्कि लुआब के कुछ कतरे उस पानी में शामिल हो, जिसे थुत्कारना कहते हैं, इस तरीके से दम होता है। तो आपने इस तरीके से दम करना है और ये पीना है। यकीन जाने, शुगर आपकी कितनी भी बिगड़ी हुई हो, आप रोजाना बस ये अमल करना शुरू करें और यकीन के साथ करें, क्योंकि कलाम पाक जो है वो शिफा से खाली नहीं है, ये हिदायत का भी जरिया है, शिफा का भी जरिया है। तो आपने इस तरह से अमल करना है, आप यकीन जाने 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आपकी अगर शुगर बिगड़ती हो, कभी लो हो जाती हो, कभी हाई हो जाती हो, इंशाल्लाह इस तरह की कोई शिकायत बिल्कुल नहीं होगी। और अल्लाह के इस कलाम मुबारक और इस सूरत की बरकत से इंशाल्लाह शुगर आपकी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। और दूसरी बात ये आपसे शेयर करनी थी कि अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी शुगर का मरीज मिलता है ना, और मुझे पता लगता है कि ये शुगर का मरीज है, तो मैं उसको फौरन सूरह रहमान का ये अमल बतला देता हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद अपने सामने, ये मैंने अपने दोस्त पर आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फायदा भी मिला। तो अगर आपको इस अमल की इजाजत चाहिए तो कमेंट्स में सिर्फ अपना नाम लिख दें, तो नाम लिख देना ही ये आपको इससे इजाजत हासिल हो जाएगी खास।